नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। सोनू सूद, वो नाम जो कोरोना महामारी के इस दौर में देश के तमाम लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण जैसा बन चुका है। इन लोगों को भरोसा है, जो कोई नहीं कर सकता वो सोनू सूद कर सकते हैं। वो हजारों प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा सकते हैं। मुंबई में रहते हुए भी बेंगलोर की लीजी जॉर्ज के लिए ICU बेड मुहैया करा सकते हैं। इंदौर के हरिराम विश्वकर्मा को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिला सकते हैं। हरिद्वार की शारदा के लिए बी पॉजिटिव प्लाज्मा की व्यवस्था करा सकते हैं। इसीलिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बिहार, इंदौर, जयपुर, लखनऊ की जनता तो छोड़िए, क्रिकेटर सुरेश रैना को अपनी आंटी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है तो वो भी सोनू सूद से मदद मांगते हैं। हरभजन सिंह के परिचित को रेमडेसिविर चाहिए तो वो भी सोनू सूद को ट्वीट करते हैं। नेहा धूपिया, भूमि पेडनेकर जैसे फिल्मी सितारे भी ऐसी मदद के लिए सोनू सूद से गुहार लगाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि कोई सुने ना सुने, सोनू उनकी आवाज अनसुनी नहीं करेंगे। हालांकि लोगों की मदद करने की वजह से ही लोग सोनू को मसीहा और महात्मा तक का दर्जा देने लगे हैं, लेकिन साथ ही बहुतों के जहन में ये सवाल भी उठता है कि आखिर जो काम कोई नहीं कर पा रहा वो सोनू सूद कैसे कर लेते हैं, कैसे देश के कोने कोने में बेड ढूंढ लेते हैं, फ्लाइट से इंजेक्शन पहुंचा देते हैं, ये पैसा, ये मैन पावर अप्रोच कहां से जुटा पा रहे हैं। वैसे तो कितने उससे अमीर अमीर लोग देश में बैठे हैं, इतना तो सरकारें नहीं कर पा रही। समाज की यही रवायत है कि जब कोई औरों से अलग या बदलाव का काम करता है तो उस पर शक करने वाले, उंगलियां उठाने वाले भी आ ही जाते हैं। जैसे पिछले साल लॉकडाउन के दौरान जब सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए अभियान छेड़ा तो शिवसेना नेता संजय राउत ने उन्हें BJP का मुखौटा बता दिया। संजय राउत ने दावा किया कि सोनू महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए BJP के समर्थन में ये सब कर रहे हैं और आने वाले चुनावों में वो भगवा पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। उन्होंने सवाल भी उठाया कि आखिर लॉकडाउन में जब किसी को आने जाने की अनुमति नहीं थी तो सोनू को ये बसें और अनुमति कहां से मिल गई थी। BJP नेताओं के सोनू की तारीफ करने और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनकी मुलाकात से इन दावों को और ज्यादा बल मिल गया, लेकिन वक्त के साथ ये आरोप गलत साबित हुए। संजय राउत ने खुद बाद में अपनी बात से पलटी मार ली। सोनू सूद ने हमेशा यही कहा कि उन्हें इसने काम के लिए सभी राज्यों के सरकारों और अफसरों से सहयोग मिला है। हालांकि सोनू सूद बताते हैं कि उनकी काफी बड़ी टीम है जो इस समय काम कर रही है। सोनू की 10 लोगों की टीम सिर्फ ऐसी है जो रेमडेसिविर के लिए घूमती है, एक टीम बेड्स के लिए घूमती है, शहर के हिसाब से हर टीम अपने मुताबिक काम करती है। सोनू सूद खुद देश भर के डॉक्टर्स से बात करते हैं, उन्हें जिस चीज की जरूरत होती है तो हमें जल्द से जल्द मुहैया करवानी होती है। जिन लोगों की मदद सोनू कर चुके हैं वो भी एक तरह से सोनू की टीम का हिस्सा बन जाते हैं। लोगों की मदद के लिए सोनू सूद अब बकायदा अपना NGO सूद चैरिटी फाउंडेशन बना चुके हैं। उनकी एक टीम है जो ऑक्सीजन, बेड, दवाई, इंजेक्शन जैसी मदद के लिए आने वाली मांगे वेरीफाई करती है और फिर सहायता पहुंचाई जाती है। सूद फाउंडेशन के एक एक्टिव सदस्य ने बताया कि हम मुश्किल से 3 से 4 घंटे सोते हैं, बाकी हर समय लोगों की मदद के लिए काम किया जाता है। हमें औरों का सपोर्ट भी मिलता है, जैसे कोई भी दवा या इंजेक्शन किसी भी राज्य में भेजना हो तो इंडिगो से सपोर्ट मिलता है। लोग फाउंडेशन को डोनेशन देने के लिए भी अब आगे आने लगे हैं। हाल ही में एक्ट्रेस सारा अली खान ने सूद फाउंडेशन में डोनेशन दिया था। नेत्रहीन बोडू नागा लक्ष्मी ने अपनी 5 महीने की पेंशन के 15,000 रुपए डोनेट करने की जानकारी सोनू ने खुद शेयर की थी। देखा जाए तो इस महामारी में कई फिल्मी सितारों ने बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की है। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, आदित्य चोपड़ा, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा सब ने अपने अपने स्तर पर आर्थिक मदद की, लेकिन सोनू सिर्फ आर्थिक सहायता करने के बजाय तन, मन, धन हर तरह से लगातार जुटे हुए हैं। उन्होंने लोगों की मदद करने को ही अपना मुख्य लक्ष्य बना दिया है। उम्मीद करनी चाहिए कि जैसा सोनू कहते हैं, थमने के लिए नहीं, हाथ थमाने के लिए घर से निकलता हूँ, वो जरूरतमंदों की और मदद करने का हाथ बढ़ाते रहें और उनकी जिंदगी में उम्मीदों का उजाला लाते रहें।
फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।